दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या क्या मिला है YouTube की तरफ से, यानी कि सिल्वर गोल्डन वगैरह होते हैं ना, वह कितने कितने मिले हुए हैं। और मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से चैनल के लिए है। और इस चैनल पे तो हमने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं और 4000 वॉच टाइम होने वाला है। अब बात ये है कि लोग YouTube चैनल तो बना लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर बताना तो नहीं चाहिए, ज़्यादातर सब पैसा कमाने की सोचते हैं। देखो, शुरू में मैं जब YouTube चैनल बनाया था तो मैंने पैसे के बारे में कभी भी नहीं सोचा, और आपको भी नहीं सोचना चाहिए। हाँ, सोच कब आनी चाहिए, जब आप तरक्की कर लिए, मतलब बहुत बढ़िया वीडियो चलने लग गई है, फिर आप इस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। बट शुरू में जब आप यूट्यूबर बनते हैं तो उस कंडीशन में आपको ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। आपको ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि मुझे अब गेन कैसे करना है, बढ़ाना कैसे है सब्सक्राइबर्स वगैरह, लोगों को अट्रैक्शन कैसे लिया जाता है, ये सब कुछ जानना पड़ता है, ये सब कुछ करना पड़ता है। फिर अर्निंग तो देखो वैसे भी हो जाएगी। 10,000 सब्सक्राइबर होने के बाद मैंने चैनल को मोनेटाइजेशन किया था। मालूम नहीं था सही तरीके से कैसे क्या होता है, इस वजह से न्यू चैनल था इलेक्ट्रिक साइंस ट्रिक वाला। तो 10,000 सब्सक्राइबर होने के बाद मेरे चैनल को मोनेटाइजेशन हुआ था। उसके बाद भी ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने, अप्रोक्स 1 साल और एक्स्ट्रा लग गया था पेमेंट को रिसीव होने में। तो देखो भाई, बहुत मेहनत होती है, और अभी तो थोड़ा ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी है, कंपटीशन ओके, तो कंपटीशन भी चल रहा है, तो बहुत ही दिक्कत। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या मुझे मिला है। तो आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर ये है हमारा सबसे पहला लाइफ में कौन सा आया था, देखो ये वाला इलेक्ट्रिक साइंस ट्रिक, 1 लाख सब्सक्राइबर होते और ये फर्स्ट टाइम मुझे मिला था, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला आमिर इलेक्ट्रिक साइंस, ठीक है, ये दूसरा सिल्वर बटन मिला था। इसके बाद ये तीसरा इलेक्ट्रिक साइंस ट्रिक शॉर्ट्स चैनल, जब शॉर्ट्स आया था मार्केट में नया नया, ओके, तो तब मिलेगा। और यहाँ पर जो गोल्डन बटन आपको देख रहे हैं, ये वाला, ये इलेक्ट्रिक साइंस ट्रिक का है, ये बहुत टाइम बाद मिला है भाई साहब, बहुत मेहनत के बाद। फिर हमें मिला इलेक्ट्रिक साइंस ट्रिक शॉर्ट्स का, यानी कि देखो बात यहाँ पे ये है कि शॉर्ट चैनल, इससे पहले ये गोल्डन बटन मिल गया एक तरीके से, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग गया 1 मिलियन होने में, और इसमें 1 साल के आसपास 1 मिलियन हो गया था। 1 साल के अंदर 1 मिलियन कंप्लीट हो गया था शॉर्ट चैनल, क्योंकि शॉर्ट चैनल बहुत ही ज़्यादा वायरल थे, ठीक है ना। तो देखो भाई, मुझे तो ये चीज़ें मिली हुई है, और आप मुझे कमेंट करें आपको क्या क्या मिला है, और आप यूट्यूबर है या नहीं, मुझे भी इस तरह का आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये तो ब्लॉग चैनल है, तो मैं कुछ भी आपको दिखा सकता हूँ अपने अनुसार, ओके। तो ये है भाई साहब, कितना अच्छा लग रहा है ना, मैंने लगाया है इस तरीके से, मेरा मूड कर रहा है इसके अंदर लाइटें लगाऊं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिशियन हैं तो सोचते रहते हैं बार बीच बीच में, तो किस तरह से इसके अंदर लाइटें लगाएं मुझे थोड़ा सा सजेस्ट करें, बाकी तो मैं थोड़ा थोड़ा सोच के ही लगा दूंगा। ये देख सकते हैं भाई। तो गाइस, ये था मामला। तो आप भी यूट्यूबर बन सकते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है, बट एक चीज़ का आपको ख्याल करना होगा, आपको एक ईमेल आईडी बनानी है, और ईमेल आईडी को एक तरीके से उसको पाल पोस के बड़ा करना है। ईमेल आईडी बनाने के बाद आप यूट्यूब चैनल मत बनाना कभी भी। ईमेल आईडी बनाने के बाद 3 महीने बाद आपको यूट्यूब चैनल बनाना है। तब तक 3 महीने तक आप अपने ईमेल आईडी को जो है उसको वायरल करना है, मतलब बड़ा करना है, ठीक है। मतलब उससे अपने नीश के अनुसार, जैसे कि मैं, अपना कैटेगरी है इलेक्ट्रिक साइंस ट्रिक वाला, तो इलेक्ट्रिक वाला, ठीक है ना। तो आप अगर प्लम्बर हैं या फिर अदर कोई और चीज़ आप हैं, पेंटर हैं, कारपेंटर हैं, तो इस तरह की अगर आप सोच रखते हैं तो इस तरह की वीडियो देखें आप। ईमेल आईडी बनाने के बाद इस टाइप की वीडियोस आप वॉच करें उसी ईमेल आईडी से, जिस ईमेल आईडी से आप यूट्यूब बनाना चाहते हैं, उस ईमेल आईडी से बहुत सारी इस तरह की वीडियो रोज़ाना 5-6 वीडियो देखते जाएं, लाइक्स और कमेंट्स लोगों को करें, ठीक है। इससे क्या है कि आपकी ईमेल आईडी क्या है, सजेस्ट होने लग जाएगी, सब जगह पहुंच जाएगी,
और आपको जो अपनी निश के अनुसार जो कैटेगरी के अनुसार जो वीडियो आपको सामने लाई जाएगी वो ऑटोमेटिकली उसी ईमेल पे लाई जाएगी। फिर वो ईमेल आपकी जो है ना वो बड़ी हो जाएगी, 3 महीने के अंदर उसका अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाएगा, मतलब उसके अंदर एड्स आने लग जाएंगे इलेक्ट्रिक्स के रिलेटेड, और उसके अंदर जो सजेशन किया जाएगा यूट्यूब चैनल में तो वो अपने आप ही आगे जो वीडियो है तुम्हारे सामने आ जाएगी इलेक्ट्रिक साइंस, मतलब इलेक्ट्रिक की जो भी आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी वाली वीडियो ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगी। ठीक है, फिर 3 महीने के बाद आपको लगेगा कि हाँ हमारी जो ईमेल आईडी है वो परफेक्ट हो गई है, एकदम मजबूत बड़ी हो गई है, 25-30 शेरों में बड़ी हो गई है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, यूट्यूब चैनल को ओपन करना है। यूट्यूब चैनल को ओपन करने के बाद फर्स्ट वीडियो जब आप डालोगे ना तो उसी फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको क्या करना है, छोटा सा काम करना है आपको, 60 FPS 1050 1060 की जो भी रेजुलेशन होती है, क्वालिटी होती है वीडियो की, वो रखना है, या फिर उससे ज़्यादा 440 या फिर अल्ट्रा HD FHD जो होता है, क्या नाम है होता है पता नहीं, FHD होता है ना, बहुत फुल क्वालिटी वाली वह वीडियो अपलोड करनी है और अपलोड क्वालिटी को हाई क्वालिटी में रख देना है। तो इस तरह की 4-5-6-7 वीडियो अपने नीश के अनुसार जो आप वीडियो लोगों के देखते थे वही वीडियो उसी टाइप की इलेक्ट्रिशियन की जो भी है, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ ज़्यादा मुझे दिमाग में ये आ रहा है, ठीक है ना, प्लम्बर हुआ पेंटर हुआ जो भी आपने वीडियो बनाई तो उस वीडियो को आपको अपलोड करना है। अपलोड करने बाद बढ़िया सा थंबनेल लगाना है, फिर देखना है 2 या 3 घंटे में आपको अगर 25-20 भी व्यू आ गए तो समझ लो आपकी वीडियो रैंकिंग में जा रही है, मतलब उन लोगों के सामने जा रही है जिन लोगों की आप लोग वीडियोस देखते थे या फिर उस यूट्यूबर की लोग वीडियो देखते थे, जैसे कि मेरी वीडियो आप लोग देखते हैं, ठीक है, तो वैसे ही आपकी वीडियो उन लोगों के पास पहुंच जाएगी जिन लोगों ने उस बंदे की वीडियो देखी है। ठीक है, तो इस तरह से जब पसंद आएगी तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे लोग और बढ़िया लगेगी तो लाइक भी कर देंगे, तो फिर यूट्यूब आपकी वीडियो को सजेस्ट करेगा और लॉन्ग हर जगह पहुंचाना शुरू कर देगा। 1-2 वीडियो से कुछ नहीं होगा, पूरे महीने तक एक एक वीडियो डालना है, फिर आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आता रहेगा कि मुझे कैसी वीडियो अपलोड करनी है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह से पहले ईमेल आईडी को बिल्ड करें, अपनी ईमेल आईडी को मजबूत करें, बड़ा करें, फिर यूट्यूब चैनल क्रिएट करें, फिर वीडियो अपलोड करें, बस हो गया यूट्यूब चैनल आपका वायरल। तो इसी तरह से मैंने इलेक्ट्रिक साइंस का शॉर्ट चैनल है ना ऐसे ही बनाया था और इसी वजह से ये वायरल हुआ था। चलिए इलेक्ट्रिक साइंस और इलेक्ट्रिक साइंस वाला भी है ना वो भी इसी तरह से ही वायरल हुआ है और इसी तरह से ग्रो हुआ है। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये चीज़, मेरी पर्सनल बात मैं बताना चाहता था आपको बता दिया। चलो बाय बाय।